हाँ जी गुरु जी, गुरु कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं फरीदाबाद से बात कर रहा हूँ। ये क्या करते हैं आप? गुरु जी मैं तो जॉब करता हूँ उम्र कितना है इस समय? गुरु जी, 28 के आसपास। अच्छा, कब से वीडियो जी देख रहे हैं? क्या गुरु जी, वीडियो कब से देख रहे हैं आप हमारे? गुरु जी मैं तो आपकी वीडियो से बताऊं गुरु जी, 1.5-2 महीने से देखने लग गया मैं। आपका चैनल अचानक से सामने आया तो जी गुरु जी, उसमें आपने पेनिस लिफ्टिंग के बारे में भी बताया, तो वो मैंने आपकी बात एक नंबर लगी बिल्कुल, कि भाई हम अपने डोले शोले बनाने के लिए मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये बात गुरु जी एक नंबर लगी आपकी मुझे, और ये दिल में लगी सही में गुरु जी। हाँ, उसी दिन से मैंने डोले छोले की एक्सरसाइज कम कर दी, इसकी बढ़ा दी। सही है, बहुत अच्छा। अरे इसी से तो दुनिया चल रहा हाँ है, इसी को लोग दबाए हाँ घूमते हैं गुरु अंदर जी साले की बिल्कुल जान ही निकाल दिया है चड्डी में, जी जी उसको भी गुरु बेचारे को घुटन होने लगती है। हाँ जी। अच्छा नहीं, गुरु जी मैं ये अभी आपकी एक वीडियो और देखी मैंने, अभी बता जस्ट इसमें बता दिया आपने इसमें आपने कई दिन से कर रहे थे, उसका अनुभव क्या रहा, आप बता रहे थे? गुरु जी। उसको मैं ज्यादा नहीं, देखो लिफ्टिंग का तो जो है ना गुरु जी, मेरे को तकरीबन आप लगा लो मैंने 100 100 ग्राम से स्टार्ट किया था उसको, तो उसको मैं गुरु जी अब मेरा उस 220 ग्राम हो चुका है वेट उसमें ठीक है। हाँ जी। तो अभी गुरु जी रिजल्ट तो ऐसा है गुरु जी, मैंने आपको मैसेज में बताया, अब चाहे छोटे हाथी को बिठा दो ना तब भी नहीं मुड़ेगा। नहीं, हंसी आ रही थी मेरे लिए, मैंने इतना मान फैटनेस गुरु जी इतना कभी नहीं थी गुरु जी, जैसे पहले अगर इसे पहले मैं सेक्स करता था ना गुरु जी, तो बीच में ही सेक्स करते करते ही इसका ढीलापन हो जाता था बहुत ज्यादा। और अब क्या अनुभव आया? अब तो गुरु जी बस पूछो ही मत गुरु जी, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, वो सो जाते हैं, हम फिर अब क्या करें। और आप हाथ में लेकर के सो जाते होंगे क्योंकि उसको जगह नहीं मिलती है अब क्या करें जी। गुरु जी, फिर अपना अपना उसके बाद लिफ्टिंग करके अपना सो जाते हैं फिर हम भी बेटा, तो आप 1-1.5 महीने जी। से जुड़े, तो आपको वीडियो अचानक से पहुंचा या कैसे सर्च कर रहे थे कुछ? गुरु जी नहीं ऐसे ही अचानक से पहुंचा गुरु जी, देखा और कितने अब तक मैं वीडियो यूट्यूब में देखे ही आपने? वीडियो देख रहा था, तो अचानक से यूट्यूब में सामने आया मेरे जी, तो क्या कितने गुरु वीडियो देख लिए अब तक आपने? जी। मैंने तो आपके गुरु जी कम से कम कोई 50 वीडियो तो लाइक किए हुए हैं, और देखता तो मैं सभी की हूँ जो भी मेरे सामने आ जाते हैं ना गुरु जी, यूट्यूब खोलते ही सबसे ज्यादा वीडियो आपकी ही आती है ऑटोमेटिकली, इतना अच्छा, वीडियो देख चुका हूँ, सारी वीडियो आपकी आती रहती है, उन्हीं को देखता हूँ। आपने मेरी अच्छा मैडम भी यही बोलती है कि क्या आप पूरे दिन गुरु जी के पीछे ही लगे रहते हो। हाँ सब्सक्राइब कर रखा होगा आपने, है ना? गुरु जी बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइब कर रखा हालांकि है। बेटा मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि गुरुओं के मुंह से ये बात बोलते हुए शोभा नहीं देती है कि सब्सक्राइब करो या, इसीलिए मैं बोलता ही नहीं हूँ, तुम करो या नहीं 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 नहीं। बिल्कुल नहीं नहीं गुरु जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सही में बहुत अच्छा काम कर रहे हो गुरु जी जी बेटा, ऐसा ना, जी हमने सोच लिया इस धरती पे, हम देखो हम भगवान की कृपा से इतने दौलत वाले तो नहीं अभी बन पाए हैं, लेकिन जो है जी अरे ज्ञान की दौलत, नहीं गुरु जी ज्ञान ऐसी की बात दौलत। नहीं है गुरु जी, देखो जो आप काम कर रहे हो ना, देखो अब जैसे आपने गुरु जी आप थ्री का फार्मूले बहुत बताते हो, हाँ तो गुरु जी आप इसी में से जैसे मैंने लाभ उठाया, तो इसी में से कोई भी लाभ उठा सकता है। हाँ तो अब भगवान, देखो गुरु जी किस्मत का किसी का पता नहीं है ना गुरु जी, आज कोई गरीब आज जॉब कर रहा है तो कल को वो बिजनेस मैन भी बन सकता है, बिल्कुल अगर बिल्कुल, उस अगर समझदार इंसान होगा ना गुरु जी, वो यही सोचेगा चाहे कुछ भी लगा लो, इस गुरु जी से मेरी बात हुई नहीं हुई, इनकी वीडियो से ही मैंने जो कामयाबी ली है अपना, मतलब ये जो दिक्कत थी इसको ठीक किया है, तो गुरु जी वो चाहे तो वो आपकी मदद कर सकता है अपने दिल से, जो चाहे हाँ वो भी कर वो सकता है हम वो भगवान उसके अंदर में खुद आवाज देंगे जो है कि, है ना? जी जी नहीं अच्छे जी गुरु लोग जी हैं, नहीं अच्छे लोग हैं और उनकी मैं तारीफ करता हूँ। और इन्हीं कामों को देख करके आपसे 2.5 साल पहले हमारे लिए एक गाड़ी गिफ्ट किया था हमारे छत्तीसगढ़ के एक बच्चे जी साहब ने बेटा, जो है जी जी एल्टो गाड़ी। जी बिल्कुल गुरु जी नहीं करना चाहिए गुरु जी, जब देखो अपनी सबसे बड़ी समस्या यही है जीवन की, इससे बड़ी कोई नहीं है गुरु जी, सही बताऊं मैं पहले भी पूजा पाठ करता था मैं बहुत सर गुरु जी, मैं सही बताऊं मैं क्रियाएं भी करता था, साधनाएं भी करता था, बहुत करता था, लेकिन मन को शांति मगर नहीं मिल रही पहले थी इतनी।
नहीं जी जी गुरु जी बिल्कुल भी नहीं। और जब से आपने ये वीडियो देखना शुरू किए होंगे ऑटोमेटिक सुकून गुरु मिलना जी शुरू बस अब तो होगा। पूछो मत गुरु जी, मैं बिल्कुल बहुत खुश रहता हूँ चाहिए मैं गुरु जी, बहुत बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं, कैसी टेंशन नहीं है। और पत्नी को जब सेक्स में उतरने से पहले एकदम भक्ति भाव से ही उतरा करो कि भगवान ने ये कितना पवित्र कार्य बनाया, हम इसको मजाक में या गंदी नजर से देखते हैं ना, तो उसको प्रणाम गुरु जी बस यही तो है गुरु किया। जी, इसको घृणा की नजर से देखते हैं ना, बस इसी वजह से तो पीछे रह गए गुरु जी, हाँ और यूनिट कार्य नहीं किया है। देखिए, ये जो भगवान शंकर के शिवलिंग वाला है, ये कहीं ना कहीं इसी से जुड़ करके लोगों ने वो बात छुपा दी है, जो धर्म गुरु है, जो जो जी अज्ञानी धर्म गुरु है, माने अच्छा जिनको सच का पता ही नहीं है। हाँ जी अच्छा गुरु जी, मैं एक बात पूछना था, मैंने अभी आपको बताया था ना, जो आपने एक और बताया था कि पेनिस को मतलब मुसल्या ऐसा कठोर और लंबा करने का फॉर्मूला, हाँ हाँ वो तो आपने डायरी में से बताया था गुरु जी, की मेरे को याद भी हो गया गुरु जी, आपकी कई लाइन मेरे को मुझे वाली याद है, मैं सुनो, बोल एक भी काम देता हूँ करो, एक सुनो सुनो ये बताओ एक पहले वाले तो गाने गुरु जी, एक तो सुनो। गुरु जी ये वाला जो आप बोलते हो ना, संभोग मेरी साधना, संभोग मेरा ध्यान, संभोग शिव का रूप है, संभोग करे कल्याण। बिल्कुल और गुरु जी ये जो दवाई बताई थी ना आपने, जो मैं बता रहा हूँ गुरु जी, ये था भांग मदार और अकरकरा, रस जो धतूरे पाए, मिलाए लेप करे लिंग में, कठिन और लोहे जैसा हो जाए। बिल्कुल। जी तो गुरु आप एक जी काम मैं करो, ये सुनो कह रहा मेरी हूँ, बात मैं सुनो, टेनिस हेलो, लिफ्टिंग के बाद गुरु जी ये अप्लाई करता हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कोई मेरी सुनो, पहले मेरी बात सुनो। आप जी ये है, जी एक डायरी मेंटेन करो, यूट्यूब का पता नहीं होता है कब चैनल को क्या कर दें, परेशानी में डाल दें क्या है, मैं जी तो इसलिए जी वैसे तो मैंने दो चैनल और बना रखे हैं जो है, देखे होंगे आपने जो है ना, एक कुंडलनी नहीं आयुर्वेदा के गुरु जी, नाम से, दो एक चैनल और कौन से गुरु जी, कुंडलिनी वाला ये तो है, तंत्र इसलिए फाउंडेशन जब वाला। स्क्रॉल करोगे ऊपर को सरकाओगे तो इसमें आ जाएंगे कुंडलनी जी आयुर्वेदा और कुंडलनी इंग्लिश के नाम से है, देख अच्छा इंग्लिश के, ठीक है गुरु जी, लें इंग्लिश इसी तो में गुरु ही, जी कुंडलनी आती नहीं है अपने को इतनी। आयुर्वेदा और कुंडलनी इंग्लिश, तो उसमें इंग्लिश के ही अच्छा वीडियो अंग्रेजी में ही डाले हैं जो है। गुरु जी मुझे इंग्लिश नहीं आती ना, आप रहने वाले कहाँ के हो, फरीदाबाद के या मथुरा साइड के? अच्छा नहीं फरीदाबाद के हैं गुरु जी, मैं पलवल, पलवल डिस्ट्रिक्ट कहूँगा से, यहाँ सीधा उधर रहता हूँ मैं। पलवल के पास होडल पड़ता है, होडल जी के पास भिड़की गांव पड़ता है, घूमे हम पहले हाँ मंडल वाले में। वो गुरु जाटों जी आप बिल्कुल घूमे हुए गुरु जी, आप बिल्कुल जंगलों में रहते हो गुरु जी, का आपने एरिया है पूरा ना, ज्ञान ज्ञान इकट्ठा किया है गुरु जी, अब बांट रहे हो, अब तक क्या किया गुरु जी आपने, ज्ञान इकट्ठे किया। जाटों का एरिया है वो, भिड़की गांव जो पड़ता है, ब्रज 84 कोस जी में आता है, वो करील का जंगल है, वही बबूल टाइप के हैं उधर। जी जी गुरु जी जी हाँ तो गुरु जी मैं कह रहा हूँ, तो मैं उसको लिफ्टिंग के बाद ना, मैं तो उसको तो देखो मैंने घर पे ही बनाया था, लेप वेप वगैरह जो हाँ तैयार किया था, तो वो सुनो, थोड़ा आपको मैंने पानी आपको में पूरा डाला ज्ञान था। दे रहा हूँ, सुनो आपको पूरा ज्ञान दे रहा हूँ, और सीख लो इसी जी लिफ्टिंग से। जी वैसे तो उसमें पूरा दिया है लेकिन पर्सनल बात करने पे और ज्यादा समझ में आता है, मैं अधूरा ज्ञान नहीं जी देता हूँ जी किसी को, या तो देता ही नहीं जी हूँ। सुनो इसमें जो है, जब का घुटने तक ही लटकना चाहिए जो बेट हो, ठीक है, नंबर एक। जी अच्छा दूसरा, जी और टांगों को लगभग 1-1.5 फीट चौड़ा कर लेना है, माने पंजों को दूर कर देना है ना जी डिस्टेंस। जी फिर कमर को आगे पीछे लिंग की टोपी को पकड़ करके, और माने जी खाल के साथ में, फिर आगे पीछे कमर जी को हिलाना है, जैसे सेक्स करते जी समय चलाते हैं, बड़े प्यार जी से जी पूरा लंबा जी आगे और पूरा पीछे गुरु जी चलाना है। जब पीछे तक लाओगे तो एक राउंड एक गिनती होगा, ओके, और फिर ऐसे 50 बार करना है, ठीक है। जी 50 बार करने के बाद वजन उतार दो, फिर इस पे मसाज करो इसी के तेल के, जो लघु तूफानी तेल वगैरह की है ना वीडियो पड़ी हुई जो जी है ना, तो वो तेल, फिर तेल लगा करके आधा मिनट मालिश किया उसका जो है, फिर उस पे वजन टांगा उसके ऊपर, फिर 50 बार आगे 100 पीछे किया जो है, फिर उतार दिया, फिर जो है 3 सेट मारने हैं इस तरह से, ठीक जी गुरु जी जी है। और उसके बाद में रात में बांध के लेटना है। हेलो, हाँ जी, तो ये जो बांधने का है वो रात में बांधने का है ये, गुरु जी मैं तो लिफ्टिंग के बाद तुरंत ही बांध के सो जाया नहीं करता था इसको। हाँ तो अच्छा है, बांध के सो जाते हो कोई नहीं, लेकिन खाना खाने के बाद मत करना, नहीं तो आंतें कमजोर हो जाएंगे, अंडकोश पे पानी भर सकता है, ये ध्यान रखना। अच्छा तो मतलब खाना खाने से पहले कर लें, खाना खाने से लगभग कम से कम आधा घंटा पहले करो भाई। अच्छा खाना खाने के बाद जी कौन सी कसरत की जाती है, मैं तो सेक्स करने को ही मना करता हूँ। जी गुरु जी बिल्कुल बिल्कुल जी
सब अंदर के इंटेस्टाइन और अतनिया ये सब अंदर के ऑर्गन कमजोर हो जाते हैं, खाना पचाने में सख्ती लगी है उससे तो और साइड इफेक्ट होता है। कोई भी कसरत नहीं की जाती है खाना खाने के बाद, चाहे वो सेक्स हो। जी बिल्कुल गुरु जी, तो बेटा ये जो है अगर इसीलिए, गुरु जी क्योंकि पहले आपने जैसे सुनो खाना खा मेरी ले तो कितनी देर बाद कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट में खा लिया खाना उसका जी, शाम को जैसे खाना खा लिया तो उसके बाद खाना खाने के कम से कम जी 3 घंटे बाद ठीक ध्यान रखना। वैसे शाम को है करो, गुरु खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद का लंगर खत्म करो, जी, ठीक है गुरु जी, सुबह को ऐसा है करो, ना थोड़े टाइम से खाना खा लेंगे गुरु जी, 5-5-6 बजे खाना खा और लेंगे दोनों टाइम करिए जो है दवा करके। गुरु जी, दोनों टाइम नहीं मिल पाते ना, दिन में सभी लोग रहते हैं तो रात को तो ये सब कोई सो बात जाते नहीं, हैं ना अच्छा उसके ठीक बाद। है, लेकिन खाना खाने से पहले करोगे आधा घंटा, ठीक है। जी और ये यार गुरु दोस्तों में वीडियो शेयर करो यार, अच्छी चीजों को लोग वायरल नहीं कर जी, नहीं पाते नहीं बिल्कुल सीरियस गुरु जी, शेयर करते हैं बिल्कुल में, बिल्कुल गुरु पता जी, तभी तो आपको भी शेयर किया है। है। क्योंकि और लोग साले घुमा फिरा करके ज्ञान बांटते हैं, तो उनसे जी 10 लाख जो है लोग चैनल पे जुड़े हुए देखें, जो कुछ भी नहीं, वो घिसी पिटी बात है। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ बेटा, जी ये किताबों में नहीं लिखी है, पेनिसिलिप्टिंग जो है। हेलो, नहीं, बिल्कुल गुरु जी, आप बोलते वीडियो में यही बात हाँ, बोलते हो। चाहे तो जो उसमें योग की किताब में देख लो, चाहे जिम में जिम वालों से पूछ लो जा करके, घंटा नहीं उन्हें यही हिलवाओ बेटा जो है, नहीं तो नपुंसक हो रहा है जिम कर करके जो है। जी बिल्कुल, वो तो है गुरु जी बिल्कुल सही भाई आप जिस चीज से मेहनत बात है करोगे वो चीज मजबूत बनेगी, हथियार से तो मेहनत कर ही नहीं रहा है आदमी। बिल्कुल जी बिल्कुल, सब जबकि गुरु जी सबसे जरूरी चीज यही है, असली देखा जाए दे रहा तो हूँ, अरे औरत इसके जो बगैर है कुछ नहीं लाखों है। रुपया जो दान दहेज में मिलता है लड़के को, वो इसी बात का मिलता है। हेलो, जी बिल्कुल बिल्कुल जी गुरु जी बिल्कुल हाँ, अगर इससे अगर पता चले जी शादी से शादी पक्की हो गई और 20-20, 50-50, 1-1 करोड़ भी रुपया मिल गया ना, और लड़की वालों को पता चल गया जी लड़का जो है नामर्द है, तो साले का चेकअप करवाएंगे और नामर्द निकला तो शादी टूट जाएगी, पैसा भी वापस करा लेंगे, और जी बिल्कुल गुरु जी बिल्कुल बेइज्जती होगी तो अलग से। जी, वो तो है जी गुरु जी दुनिया में आजकल तो औरतें भी बड़ा खुल के जज के सामने बोलती हैं, मैंने वीडियो औरत देखी, ये कुछ कर ही नहीं पाता, इसके साथ रह के मैं करूं क्या। बिल्कुल, यही होता है गुरु जी लास्ट में हाँ, जी या फिर कहीं सेट हो जाते हैं इधर उधर के लड़कों से या जो भी है, बिल्कुल गुरु जी बिल्कुल और फिर आदमी सोचता है चलो औरत तो रुकी हुई है, इज्जत बची हुई है, चलो करने दो, अब वो रोता रहता है अकेले में, और क्या करूं क्या नहीं करूं जो है, कुड़ता रहता है छाती पे पत्थर रख करके, समझ बिल्कुल गुरु जी रहे हो। तो बेटा जी ऐसा गुरु जी, अभी है, अपना तो गुरु जी आदमी को तो रिजल्ट मिल रहा है इसमें, मगर तो गुरु जी इसमें सुनो, लिफ्टिंग में थोड़ी दिक्कत थी, मैं थोड़ा नीचे तक रख देता था उस वजन को ना ना इतना ही नीचे रखना, तक यही तो बात करने से, देखिए आपने, मैं बात जी। इसलिए कर रहा हूँ, मैं हर किसी से, लोग पैसा भी देते हैं बात करने का, गुरुजी मेरे से बात कर लो जो है इतने मिनट जो है, लेकिन जी मैं जल्दी बात नहीं बिल्कुल करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मैं बिल्कुल एक बाबा टाइप बाबा बिल्कुल ही हूँ, एक गुरु आदमी हूँ, स्टाइल है, मतलब भगवान ने गुण दिया है तो फिर हर किसी से थोड़ी अरे गहरे से बात कर लेंगे। हेलो, गुरु जी, मैं अब गुरु जी आपने ज्ञान तो बहुत बहुत है गुरु जी, मगर मैं 5-5% ज्ञान भी पाना चाहता हूँ गुरुदेव आपसे नहीं ठीक है सुनो, दूसरा यह है जी। वीडियो को शेयर से अधिक करो, और ये आपका जो एक्सपीरियंस है ये मैं ऑडियो बना करके डलवा दूंगा ताकि लोगों को भी प्रेरणा मिले, ठीक है। नहीं कोई दिक्कत नहीं गुरु जी, क्योंकि डलवा देना क्योंकि गुरु भाई इसमें आपका फोटो थोड़ी लगा रहे हैं कुछ जो है, और ना कोई जो है जी। ना, नहीं नहीं ना मैंने आपका नहीं नाम कोई लिया है, दिक्कत ना जाति पूछा है, ना सीट, समझ रहे हो ना, कोई नहीं दिक्कत नहीं है। जी अगर हम लोग इतना घबराएंगे शर्माएंगे तो कैसे यार, अच्छा ही कैसे आगे बढ़ेगी फिर जो है ना। सही बात है जी ठीक है बेटा, बिल्कुल गुरु जी, ठीक है गुरु जी, हाँ ओके, प्रणाम, लगे रहो। ओके।